हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। HSSC ने एक और रिज़ल्ट घोषित कर दिया, आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया है MPSW फीमेल का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फाइनल रिज़ल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ MPSW फीमेल ऑफ हेल्थ केयर एंड ESI हरियाणा अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर आपका 15/2019 और कैटेगरी नंबर आपका 4 एंड 20 का। ठीक है, अपना सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट हो चुकी थी, इनकी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी लगाया है इसमें। फॉर द पोस्ट ऑफ MPSW फीमेल ऑफ हेल्थ केयर एंड ESI हरियाणा एडवर्टाइज नंबर 15/2019 कैटेगरी नंबर 4 एंड 20 के हैज़ फाइनल द डिक्लेयर द रिजल्ट। द रिजल्ट हैज़ बिन शोन कैटेगरी वाइज एंड मेरिट वाइज, मेरिट भी दी गई है। आइए देखते हैं किस किस की कितनी मेरिट गई है। आपकी MPSW फीमेल की टोटल 588 पोस्ट थी, जिसके अंदर जनरल की 83 पोस्ट थी भी आपकी। ठीक है, ये आपके रोल नंबर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अगर आपका हुआ है तो। इसमें चेक कर रही हैं, इसकी जनरल की गई है आपकी 65 नंबर गई है भाई आपकी। ठीक है, जनरल वेटिंग गई है आपकी 64 की गई है। ठीक है, SC की आपकी 91 पोस्ट थी तो इसमें आपकी 58 गई है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। और SC वेटिंग की आपकी 57 गई है। BCA की आपकी 68 पोस्ट थी, 68 पोस्ट थी जिसके अंदर आपकी 60 गई है। BCA की वेटिंग 59 गई है। BCB की 38 पोस्ट थी, 60 गई है। BCB की 58 गई है। EWS की 69 पोस्ट थी आपकी, जिसकी गई है 57.50 और EWS वेटिंग में 57 गई है आपकी। ESM जनरल स्पोर्ट्स कोटे की 40 पोस्टें थी आपकी और इसमें 29 कट ऑफ गई है आपकी। बस ESM जनरल की वेटिंग में DFF 29.5 की गई है, 50 की। ESM SC 12 पोस्ट थी, 52.50 गई है। ESM BCA की 12 पोस्टें थी, 50 गई है। ESM BCB की 17 पोस्टें थी, 36 गई है। ESP जनरल की 30 पोस्टें थी, 64 गई है। ESP SC 11 की 57 गई है। ESP BCA 11 पोस्टें थी, 39 गई है। ESP BCB 6 पोस्टें थी, 59 गई है आपकी। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन था आपका ये 90 मार्क्स का, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपका 10 मार्क्स का था। ठीक है, टोटल आपका 100 मार्क्स का है। तो ये आपका था रिजल्ट, अभी HSSC की वेबसाइट पर भी है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको हर रोज़ कोई ना कोई जॉब से रिलेटेड जानकारी जरूर मिलती रहती है और आपका जो CET का एग्ज़ाम है जो अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल या मई में होने वाला है, उसके रिगार्डिंग मैथ्स चल रहा है इसके अंदर। इसमें 90 दिनों में आपका कंप्लीट मैथ्स करवाया जाएगा सिर्फ CET के लिए। अच्छे से CET का मैथ्स करवाया जा रहा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, एक बार आप उसको ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।